खत है ये? करिश्मा सिंह का? क्या क्या लिखा क्या है इसमें? क्योंकि आपने आरव को एमपीटी का हेड बनाया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम आपको जान से मार देंगे। तो अब क्या होगा मैडम सर? अब करिश्मा सिंह हमसे बदला लेंगी, हमें जान से मार देंगे। आरव सर, हमारी जान खतरे में है। सिस्टम जी, तो सच में बहुत बड़ी विनर निकली। नहीं नहीं, हम करिश्मा जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मैडम सर के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ये खत उनका लिखा हो ही नहीं सकता। बिल्लू, अरे ये क्या जिद लगा के रखी है तुमने? नहीं नहीं, तुम जब से आए हो सिर्फ वो पुष्पा जी की दो रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया तुमने। आओ चलो, अब आओ, थोड़ा सा खा लो। आओ, जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक मैं खाना क्या खाने का निवाला भी नहीं छूंगा। जब तक मुझे इस थाने का SHO नहीं बनाते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। ये क्या बच्चों जैसी जिद है, तुम जानते हो ना ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये मेरे बच्चों जैसी जिद और ये वो बच्चा इस थाने का SHO बन सकता है, लेकिन मैं काबिल तजुर्बेकार सीनियर रिटायर चोर इस थाने का SHO नहीं बन सकता। क्यों नहीं? तुमको क्यों बनना है SHO? मैडम सर, एक दिन के लिए बस मुझे इस थाने का SHO बना दो, फिर देखो इस थाने का नक्शा मैं चुटकी में बदल दूंगा। अच्छा, कैसे? ये देखो, इस प्लान के हिसाब से इस थाने का सारा कर्जा एक झटके में निपट जाएगा। इरशाद, ये मेरा बिल्लू निवास, इसको मैं एकदम लाजवाब बना दूंगा, एकदम ताजमहल की तरह। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे और देखने पर हम टिकट लगाएंगे और जो भीड़ जमा होगी उससे पॉकेट मारी चैन चोरी हो जाएगी। मतलब टिकट से इनकम आता रहेगा और टूरिस्ट से केस आता रहेगा, मतलब इस थाने का सारा कर्जा निपट जाएगा। है कि नहीं मस्त आइडिया? क्या बात है बिल्लू, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम इतने अच्छे आइडियाज देते हो ना, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ भूल आते हैं। अब रहो अंदर और भूखे रहना। सर, ये मैं नहीं भूलूंगा कभी। चीता, क्या ढूंढ रहे हो? चीता चतुर्वेदी, हम तुमसे बात कर रहे हैं। तुम लंबे कैसे हो गए? तुम यहाँ क्या? हेलो मैडम, वो अरे मैडम, बचाओ, 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 कोई मदद करो, बचाओ, बचाओ, मैडम सर, बचाओ, 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 ये आदमी हमें मारने की कोशिश कर रहा था आरव सर। इतना बड़ा झूठ मैडम, हमने आपको मारने की कब कोशिश की? झूठ? हम झूठ कह रहे हैं? पूछिए इससे, अगर ये सच कह रहा है तो ये चीता का ये जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ क्या करने आया? पूछिए। वो मैं देखा, कोई जवाब ही नहीं है इसके पास। हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका नाम राजवीर है और ये करिश्मा सिंह के थाने में हेड कॉन्स्टेबल है। सर, करिश्मा सिंह ने जानबूझकर इसे यहाँ भेजा है हमें मारने के लिए। आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए और लॉकअप में डाल दो। जी जी सर। सर नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? करिश्मा मैडम हसीना मैडम को मारने की कोशिश कर रही है। हे भगवान, अरे कुछ दिन के लिए ये काला टीका थाने से क्या चला गया? मेरे इस थाने को किसकी नजर लग गई? हैं? ओ कार पोस्टमैन, हसीना सोचो, थाने में सुरक्षित नहीं हो तो बाहर कैसे बचा पाओगी खुद को? हसीना मलिक किस किस से बचती फिरोगी? कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, तुम्हारी मौत निश्चित है। हमा का बकवास है ये? कोई हमारी तरफ से मैडम सर को धमकी भरे लेटर भेज रहा है। उस लेटर में ये लिखा है कि हम
हम हसीना मैडम को जान से मार देंगे भाग। और क्या राजवीर को उन्होंने पकड़ कर ये इल्जाम लगा रहे हैं उस पे कि हमने राजवीर को महिला पुलिस थाना भेजा है मैडम सर पे हमला करने के लिए? कहीं राजवीर सचमुच ऐसा तो नहीं कर सकता? नहीं नहीं, हमारा राजवीर का ऐसा करने का क्या चल रहा है भैया? सुनो सुनिए सुनिए, चंपक जी, छेदी जी, आप वहां जाइए और जाके पता लगाइए ये क्या चक्कर चल रहा है। जी मैडम। कहीं मैडम सर का कोई ये नया प्लान, कोई नया साजिश तो नहीं है हमारे खिलाफ? आप जाइए, जल्दी जाइए और पता लगाइए ये क्या चक्कर चल रहा है, हमें सब बताइए जल्दी जाके। जी मैडम। जय मैडम। जय। मैडम सर, आपने ये फाइल मंगवाई थी? हाँ, रख दीजिए। कुछ कहना चाहते हैं? मैडम सर, आप जानती हैं ये खत करिश्मा जी ने नहीं लिखा, वो आपके लिए ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती, मतलब लिखना तो दूर, आपके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती वो, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। हाँ पुष्पा जी, हम जानते तो हैं, भले ही करिश्मा सिंह ने नहीं, लेकिन किसी ना किसी ने तो धमकी वाला लेटर भेजा ही है ना, हमारी जान को खतरा है पुष्पा जी, हमें सतर्क रहना होगा। वो तो है, वैसे भी काफी दिन हो गए इस पिस्टल को साफ ही नहीं किया, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, हो सकता है अब शायद जरूरत पड़ जाए, या शायद ना पड़े पता नहीं, लेकिन दुश्मन ने हमें खुली धमकी दी है और हम हर तरीके से तैयार रहना चाहते हैं। वो भी है पुष्पा जी। जी, जहां तक हमें याद है आपका भी सपना रहा है ना कि रिटायरमेंट से पहले एक बार आप कोई बड़ा सा केस सॉल्व करें, किसी क्रिमिनल को पकड़ें, एक बार गोली चलाएं। हाँ, सपना तो है, मगर सारे सपने पूरे हो तो फिर तकदीर को कौन पूछे। चलिए एक काम करते हैं, आपका एक सपना तो आज पूरा कर ही देते। मतलब? मतलब ये कि लीजिए बंदूक और वहां बाहर हवा में एम कीजिए और गोली चलाइए। क्या ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? हाँ हाँ पक्का, खिड़की की तरफ पॉइंट आउट कीजिए और हवा में चलाइए, हम हैं, डोंट वरी। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी तो देखें कि हमारी पुष्पा जी का निशाना कैसा है। पुष्पा जी एक मिनट, पहली बार जिंदगी में आप रिवॉल्वर आपने हाथ में लिया है, आप गोली चलाने वाली हैं, जरा स्टाइल से। ठीक है, क्या हुआ मैडम सर? क्या हो गया मैडम सर? पुष्पा जी ने अभी अभी हम पर गोली चलाने की कोशिश की, अरेस्ट कीजिए इन्हें। मैडम सर ये क्या मजाक कर रही हैं आप? मजाक? पुष्पा जी आप क्या कर रही थी हमारे साथ, आप हम पर गोली क्यों चला रही थी, हमने क्या किया कभी? अरे सर ये देखिए, ये इन्होंने हम पर गोली चलाई है, ये हमें जान से मारने की कोशिश कर रही थी, हम सच कह रहे हैं। पर ये आपको क्यों मारना चाहेंगी मिस हसीना? बदला लेने के लिए सर? सर आप जानते नहीं है लेकिन पुष्पा जी जो है करिश्मा सिंह की सास है। क्या हो सकता है कि करिश्मा सिंह ने इन्हें यहाँ भेजा हो हमसे बदला लेने के लिए, हमें जान से मार देने के लिए? Oh, you are right. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, आपको ना हमें प्रोटेक्ट करना होगा, प्लीज इन्हें अरेस्ट कीजिए, आप सिस्टम है, आप हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सर प्लीज कुछ कीजिए, हमारी जान बहुत ज्यादा खतरे में है, अब तो कहीं से भी कोई भी हम पर हमला कर सकता है, सर प्लीज गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। चाहिए? मैडम सर ये क्या, ये क्या कर रही हैं आप? मिस हसीना की जान को खतरा है, हमें उन्हें प्रोटेक्शन देना है, इसलिए अब से आप इनके साथ रहेंगे, इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, क्लियर? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
मैडम गजब हो गया मैडम गजब। एक मिनट इतना भड़बड़ा कह रहे हो, क्या हो गया बताइए हमको। वो हम लोग मैडम बुलबुल सर से बचते बचाते आ रहे हैं। हम आगे का बताओगे, चेहरे का हवाई उड़ा हुआ है दोनों का बताओगे। बहुत बढ़िया, समझाइए क्या बोला इन्होंने। मैडम पुष्पा मैडम को गिरफ्तार कर लिया गया है हसीना मैडम को मारने की कोशिश करने के जुर्म में। कहाँ बकैती कर रहे हो, पुष्पा जी को गिरफ्तार कर लिया मतलब? आगे भी है मैडम। हमें कहा आगे का, आगे का? उन पर ये आरोप लगा है कि आपने उन्हें भेजा था हसीना मैडम को मारने के लिए। हमें ये कहाँ बकैती है, हम भेजेंगे और पुष्पा जी को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, जब जानती है वो कि पुष्पा जी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, फिर भी क्या क्या चल रहा है उनके दिमाग में, किस राख में है हसीना मैडम? हेलो हेलो संतू, संतू ये क्या सुन रहे हैं हम? हाँ क्या चल रहा है ये सब? करिश्मा मैडम नहीं कहा ये राजवीर, तो राजवीर हसीना मैडम ने पुष्पा जी को अरेस्ट कर लिया, ये क्या ये सच है क्या? सच है मैडम। बहुत गलत किया ये हसीना मैडम ने, हम पुष्पा जी को अरेस्ट कर लिया मतलब? उनका दुश्मनी हमसे है ना, तो हमसे दुश्मनी निकाले, बेवजह मासूम लोगों को अरेस्ट काय कर रही है, उनको काय बलि का बकरा बना रही है वो? सच्ची में बहुत तेज है वो, उन्होंने बहुत गलत जगह वार किया है। पुष्पा जी को कुछ भी होता है ना हम सह नहीं कर पाते हैं, हम सक पका हो जाते हैं, हम नहीं झेल पाते हैं, हम माँ है वो हमारी। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि हमसे रंजिश निकालने के चक्कर में वो इस हद तक गिर सकती है। पुष्पा जी किधर है, हमारा बात कराइए ना उनसे, परेशान हो रही होगी वो, एक बार हमारा बात कराओ ना, कहाँ है वो? पुष्पा जी हम नहीं पीछेगी, नहीं पीछेगी। हमारा फोन? हाँ क्या चल रहा है इनका, किसका फोन है? करिश्मा मैडम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ हेलो पुष्पा जी आप ना बिल्कुल भी घबराइएगा मत। हाँ हम हैं, हम आपसे वादा करते हैं, हम शाम तक आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये चक्रव्यूह किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए हो रहा है ना, करिश्मा सिंह को पकड़ने के लिए हो रहा है ना, तो करिश्मा सिंह मैडम सर के सामने जाएगी। देखिए गुस्सा अकल को खा जाता है, आप पहले शांत हो जाइए। पुष्पा जी आप हमें कह रही है कि हम शांत हो जाएं? आप वहाँ हवालात के अंदर बैठी हैं और आप हमें कह रही है कि हम शांत हो जाएं? हम आपको देख सकते हैं क्या वहाँ पे? अब आपको अशांत होना चाहिए, कितना भरोसा करती थी ना आप उन पर, बड़ा परम भक्त बन के बैठी थी ना, देखा आज मौका आया तो आप पे भी कैसा वार कर दिया। अम्मा दुश्मनी निकालना था तो हमसे निकालते ना, आपको हवालात के अंदर बंद काहे किया? देखिए कितना इमोशन जो आपने इन्वेस्ट किया है, कितना गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया आपने, अब एहसास हो रहा है आपको? वैसे हमें भी नहीं पता चला ये सब क्या हो गया, मतलब हम तो मैडम सर के कहने पर ही उनकी सर्विस गन देख रहे थे, अचानक ये सब। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो ठीक ही है ना, मैडम सर ने हमें भी नहीं बख्शा, सोचो हमें जो दुनिया में शिव जी के बाद सबसे ज्यादा उन्हें मानते हैं, तो हमें क्या पता था ऐसी भोली सूरत के पीछे इतना छल कपट छुपा हो सकता है। हम तो मैडम सर को न्याय का केंद्र बिंदु मानते थे, मगर वो तो पुरानी फिल्मों की बिंदु निकली। हमको निकली कभी हमारे मुंह से ऐसी कोई बात उस महान शख्सियत के लिए जिसका नाम हसीना मलिक है? नहीं नहीं, और निकलेगी भी नहीं। मैडम सर तो कितनी महान है, हीरा है हीरा, कोहिनूर हीरा। हाँ हाँ हमारे सामने ही खड़ी है साक्षात। अच्छा अच्छा हाँ हाँ विमला, हम बाद में बात करते हैं। हाँ जय हिंद। वो हम जय हिंद, आदत है ना, रखो रखो ध्यान 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 रखिए। कहाँ? बिल्ले माँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सांस सांस वो तो आप हुई, हमारी सांस फूल रही है। होता है पुष्पा जी, जब आप किसी के घर में घुस के डेरा जमा के बैठ जाते हो ना तो सांस की तकलीफ होती है, एंजाइटी कहते हैं उसे। एंजाइटी हाँ तुम्हें क्या हो रहा है? हमें भी होने लगा।
देखो तुम्हारा जो ये एंजाइटी है ना, इसका इलाज मुझे पता है, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। जैसा मैं करता हूँ आप मेरे पीछे पीछे वैसा ही करना। हाँ चलो, आंखें बंद, हाथ जोड़ो। हे लॉकअप देवता, हे लॉकअप देवता, इस दुनिया में अपराध बढ़ते रहे। बोलो बोलो। इस दुनिया में अपराध बढ़ते रहे और हम यही बने रहे। और हम यही। बोलो, अरे बोलो, ठीक होना है कि नहीं, बोलो ना। अब हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। लो आ गए आपके सामने, यही चाहती थी ना आप। अब जो जी में आए वो कीजिए आप हमारे साथ। आप महान हैं ये तो हम जानते थे मैडम से, पर आप इतनी महान निकलेंगी कि इस दुनिया में जो आपको सबसे ज्यादा मानता है आप उसके साथ ही ऐसा करेंगी, ये नहीं जानते थे। चलो अच्छा हुआ इस बहाने पुष्पा जी का भ्रम तो टूटा। बहुत मानती थी ना आपको, एकदम परम भक्त है आपकी। अब तो सच्चाई उनके सामने आई कि आप टाइम आने पर किसी का भी बलि चढ़ा सकती हैं। आप कौन से सच की बात कर रही हैं करिश्मा सिंह? सच या झूठ कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना नजरिया है। जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए सच है, हो सकता है हमारे लिए वो सही ना हो। पुलिस कस्टडी से भागते वक्त आपने वो किया जो आपको ठीक लगा, और आपको पकड़ने के लिए हमने वो किया जो हमें ठीक लगा, तो इसमें सच और भ्रम की बात कहाँ से आ गई? नजरिया तो समझ में नहीं आया मैडम सर आपका आज तक हमें, पर आज बहुत अच्छा हुआ कि आपका सच सबके सामने आ गया, कि वक्त आने पर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी और किसी का भी पत्ता काट सकती है। अम्मा हमको लगा कि विचारों का लड़ाई है, विचारों से निपटा लेंगे, लेकिन नहीं, हमें नहीं पता था कि आपके अंदर ईर्ष्या का ऐसा सुनामी आया है कि आप अपने साथ सबको ले डूबेंगी। हमारे लिए नतीजा मायने रखता है करिश्मा सिंह, और तरीका उससे भी ज्यादा। ठीक है, नतीजा अब आपके सामने आके खड़ा हुआ है मैडम सर, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन भगवान के लिए महिला पुलिस थाना फोन लगा के पुष्पा जी को वहां से निकालिए। उससे पहले आपको ठीक से गिरफ्तार तो कर ले। बुलबुल पांडे गिरफ्तार कीजिए इन्हें। Yes, ma'am. मैडम सर, अब आप लॉकअप का चाबी लाओ। ये चाबी, ये नाइंसाफी, ये अत्याचार है, ये अन्याय है, ये मेरे बिल्लू निवास पे कब्जा हो रहा है, मैं इस थाने के खिलाफ केस कर दूंगा। वकील को बुलाओ, वकील को बुलाओ। अगर आपने ज्यादा हंगामा किया तो मैं आपको होमवर्क पे लगा दूंगा। नहीं नहीं सर, आई विल एडजस्ट। मिस हसीना, आप रिलैक्स हो जाइए, अब आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। असली कल्प्रिट पकड़ा गया है। आप सिस्टर मेरी, पहले तो आपने लॉकडाउन लगाया और मिस हसीना पे हमला भी किया है, आपको तो बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। अलग समय की माया, मांगे मिले न दू, बिन मांगे मिले घनी छा। हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं, ये तो ससुर खुद ही लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो बुलबुल पांडे? देखिए सर, अभी अभी बुलबुल पांडे ने हम पर गोली चलाने की कोशिश की है। अरे नहीं नहीं, झूठ कह रही है सर। सर सर, ये देखिए सर, गन गन अभी भी हमारी तरफ है सर, कुछ कीजिए, बचाइए हमें। नहीं है, नहीं है सर, ये झूठ बोल रहा है सर।
बुलबुल पांडे भी ना करिश्मा सिंह के साथ मिला हुआ है। ये सब मिले हुए हैं, सब मिलकर हमें मारना चाहते हैं सर, प्लीज प्रोटेक्ट मी। गिरफ्तार कर लो इन्हें। चलिए लॉकअप में चलिए सर। अरे जगह नहीं रे बाबा। ये देखिए सर, एक और धमकी वाला लेटर। सर सॉरी, लेकिन इन सबको जेल में डालने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। हो सकता है ना कि इन सबके और भी दूसरे साथी हों जो हमें बाहर मारने की कोशिश करें। हो सकता है कि हम यहाँ से बाहर जाए और कोई हमें मार दे। सर हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज कुछ कीजिए। कितने दुश्मन है आपके, कहीं भी कहीं से भी निकलते ही जा रहे, और जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है उससे बचाए कैसे आपको? सर अब ये तो आपको सोचना होगा ना, क्योंकि सिस्टम तो फिलहाल आप हैं, तो आप सोचकर बताइए कि हम क्या करें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।